इंस्पिरेशन ये था कि मैं काफ़ी पेस्ट्री पार्टीज में गया, जिसको पेस्ट्री पार्टी कहते, मुझे भी नहीं पता था पहले। तो ये पार्टी में गया तो लोगों से मैं मिला, इंटरेक्शन किया काफ़ी सोशलाइट से, काफ़ी अपना फैशन डिज़ाइनर से, अलग अलग जो लोग हैं। तो मैंने देखा कि कुछ पहले देखा ड्राइवर्स लोग पार्टी के नीचे है, तो ड्राइवर्स लोग आपस में बात करते हैं, दे आर ट्राइंग टू यू नो गॉसिप कर रहे हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है बोल के। फिर मुझे लगा कुछ वेटर्स लोग भी गॉसिप कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार क्यों नहीं एक पिक्चर बनाए इनके ऊपर। फिर एक दिन मैंने देखा पार्टी में, तो मैं एक जर्नलिस्ट को लिफ्ट दिया, मैंने जब एक होटल से बाहर निकला था, मैंने फिर अपना जर्नलिस्ट को ऑटो तक छोड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि यार अभी यही जर्नलिस्ट जो अंदर इतने इतने बड़े लोगों के साथ बात कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन पता नहीं कोई लिफ्ट देता नहीं इनको, कुछ नहीं है, तो इनकी रेगुलर लाइफ क्या होगा। तो मुझे लगा कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर क्यों नहीं बनाई जाए कि लास्ट ट्रेन पकड़ के उन लोग आते हैं, जैसे कोई जर्नलिस्ट चर्च गेट में पार्टी है मैंने टाउन में, और उनको मलाड आना है या गोरेगांव आना है, तो किस तरह से उनको लोगों से, मैंने इतने लोगों से मिलने के बाद दे कम इन द ट्रेन, तो इनकी भी लाइफ होगी, जर्नलिस्ट की भी लाइफ होगी और रेगुलर लाइफ होगी, तो इनके पास भी इनको भी प्यार होता है। तो जर्नलिस्ट की एक इमेज है लोगों के बारे में ऐसा लिखते, इसलिए तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसके ऊपर पिक्चर बनाई जाए। तो इसलिए मैंने ये पर्सपेक्टिव रखा जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर है, कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नी है कि वो पेस्ट्री पीपल को उनके साथ उनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और क्या इनके अप्स एंड डाउन होते हैं, इनको भी इमोशन है, इनके पास भी इमोशन है, इनको भी दे ऑल्सो केयर। तो ये मेरा पर्सनल व्यक्ति रूप है कि मैं किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ एक जर्नलिस्ट को। नहीं, आई हैव नॉट मेड लार्जर देन लाइफ, आई नो इट कैन बी लार्जर देन लाइफ, देर आर लॉट्स ऑफ पिक्चर इन मूवी वेयर जर्नलिस्ट को हमेशा सब प्लॉट में रखा गया, नॉट अ प्रोटैगनिस्ट। मैंने एकदम प्रोटैगनिस्ट रखा है जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल स्टोरी है, 2 घंटा 15 मिनट की पिक्चर, और मैंने इसको शूट भी इस तरह से किया है कि आपको लगेगा पार्टी में है, आपको लगेगा कि यार इसके साथ हो सकता है। मैंने रेगुलर एक 3 लड़कियाँ एक वर्सोवा में अपार्टमेंट में रहती, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, कि उनको लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम देता है, भाई तुम लोग लेट मत आया करो रात को घर पे, जल्दी आया करो। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एक लड़की ट्रेन पकड़ के कैसे भागती है, उसको जाके स्टोरी कवर करनी है, रातों रात उसको प्रिंट करना है, तो ये सब एस्पेक्ट को लिया। तो पेस्ट्री में जो 45 कैरेक्टर्स की पिक्चर रही है, 45 कैरेक्टर्स इस फिल्म में है, बोमन ईरानी, विक्रम सलूजा, नया एक्टर जय है, अतुल कुलकर्णी है मेरे फेवरेट एक्टर, संध्या मृदुल, तारा शर्मा एंड ऑफकोर्स कोंकणा सेन जिसने जो मेन रोल किया है, करेक्ट है क्या है, लेकिन ये पेस्ट्री पार्टी है सुपरफिशियल, ये जो लोग हैं सुपरफिशियल, ये जेन्यून है। इसके अंदर ये इंट्रैक्शन का बहुत ही अच्छापन यही है कि उसको लगता है वो उनके लिए काम कर रही है, मैं उनके बारे में लिखूँ चाहे उनके ऊपर, बाद में उनको लगता है शी इज़ बीन यूज्ड। तो ये सुपरफिशियल है, मैंने जैसे कहावत है नो परमानेंट फ्रेंडशिप नो परमानेंट एनिमिटी, तो ये हमेशा मैंने इसको ध्यान में रखते हुए पिक्चर पूरी बनाई है कि जर्नलिस्ट के लाइफ में अप्स एंड डाउन किस तरह हो सकते हैं, उसके इसके साथ भी धोखा हो सकता है, उसको भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है, काम के लिए किसी और को करना पड़ता है। वो है, वो एंगल भी है पिक्चर में कि डांट खानी पड़ती है कि कुछ गलत लिख दिया था आपने, क्यों लिखा इस तरह से, ये भी है कि आपने पूछना चाहिए था मुझे आपने क्यों लिखा, तो ये सब है इसके अंदर। मैंने कहा ना डार्क साइड ऑफ रियलिटी है पिक्चर का। गाना इंटीग्रल पार्ट है, मैंने आपको कोई गाना नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ द वे है, जैसे कुआमा गाना सपना अवस्थी जी ने गाया, तो वो गाना आपको लगेगा हमने दिखाया कि बॉलीवुड पार्टी थीम पार्टी है, तो गाने बॉलीवुड पार्टी थीम पार्टी में वो गाना गा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि हटके इसमें से गाना कहाँ से आ गया। लिप मूवमेंट भी नहीं दी है, लता जी के गाने पे लिप मूवमेंट भी नहीं है, उसको शूट इस तरह मोन्टाज लेवल पे किया हुआ है ताकि कोई ऐसा नहीं लगे कि जर्नलिस्ट गाना गा रही है एकदम से या एरोस्टिस गाना गा रही है, तो उसे बहुत ही रियल रखा है पिक्चर, बहुत ही रियलिस्टिक पैटर्न में शूट की है। ये मेरे अपना वर्जन रिकॉर्ड्स वाले ने, हमारे जो EMI के हेड है समीर टंडन जिन्हें म्यूजिक भी दिया हुआ है, ये उनका आइडिया था, एक नया टेक्नोलॉजी का है, तो मेरे ख्याल से जो रेगुलर होता है पार्टी हमने वो नहीं रखी है, और इस तरह से एक न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग घुसे हुए, उस तरह से कैसेट का लॉन्च हो और इतने 12 सिटी से हम इंटरेक्ट कर पाए हम नहीं है। सर म्यूजिक बहुत ही अहम है, मैंने कहा पिक्चर में 5 गाने हैं, आपको कोई नहीं लगेगा ये गाना ठोसा हुआ है पिक्चर में कि ये गाना क्यों है पिक्चर में, आपको लगेगा यार ये पार्ट ऑफ सॉन्ग है, पिक्चर को आगे ले जाती है, मैंने कोई हमारा पिक्चर में गाना नहीं गा रहा, पीछे बैकग्राउंड में बज रहा है या पार्टी में बज रहा है गाना, तो आपको नहीं लगेगा कि ये गाना बहुत ठोसा हुआ है पिक्चर में। मेरा वही लता जी वाला कितने अजीब रिश्ते यहाँ पे, जो हकीकत है, 2 पल मिलते साथ साथ चलते, जब मोर आए बच के निकलते। देखिए अभी तो व्हेन यू मेक अ फिल्म फॉर मासेस, जैसे कि यार ये BC सेंटर में चलेगी पिक्चर, एक सेंटर में नहीं चलेगी। जब आप फिल्म बनाते हो
मेट्रो सिटी के लिए आप बोलते हैं ये मेट्रो सिटी की पिक्चर है, ये गांव की पिक्चर नहीं है। तो देखिए मैंने हमेशा एक्सपेरिमेंट किया है, पहले भी सत्ता चांदनी बार दोनों एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरे ख्याल से छोटा एक्सपेरिमेंट है। एंड आई वुड थैंक्स मिस्टर बॉबी पुष्करना, हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, जितने रिस्क लेके इस तरह की फिल्म को मैंने ये किया, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि नए प्रोड्यूसर है, पहली पिक्चर है, वो चाहेंगे कमर्शियल फिल्म बनाए, लेकिन उन्होंने अगेंस्ट द ऑड्स कहते हैं हम पिक्चर बनाई है कि हटके उन्होंने बोला ठीक है। मैंने उनको एक सब्जेक्ट सुनाया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है मधुरी, हम ही बिलीव्ड मी एंड वी वर्क टुगेदर। मैं चाहूँगा कि आप पिक्चर देखें फिर उस पर टिप्पणी करें, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द एंटायर थिंग। तो आप पिक्चर देखने के लिए रखें ना, पेज 3 पे तो आ जाइए, पेज 1 पेज 2 देख रहे हैं अभी, पेज 3 पे आने के बाद ही एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा।